हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और उनके पास अब कोई चारा नहीं है किसी दूसरे को सीएम बनाने का या खुद बने रहने का, क्योंकि संवैधानिक संकट पैदा हो ही जाएगा। तो आज आम आदमी पार्टी के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपना अपने परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बना दें, या आम आदमी पार्टी के जो अभी के कार्यकर्ता हैं उनको उनमें से किसी को एक वो मुख्यमंत्री का पद दे दें। पर दोनों ही सिचुएशन में आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि उनके पास अरविंद केजरीवाल के कद के बराबर का नेता नहीं है। हर चीज़ आम आदमी पार्टी में या तो अरविंद केजरीवाल या तो अरविंद केजरीवाल और सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ही सीमित रहती है। तो और भूत में भी अगर आप ये देखेंगे तो कभी भी सक्सेसर बिना बनाए अपना पद देना फायदे का सौदा नहीं रहा है, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो, इन्होंने जीतनराम मांझी को पद दिया, या जयललिता के समय में जब ओपीएस को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। दोनों ही समय में अपने समकालीन नेताओं को देने का सिर्फ एक, आप ये कह सकते हो कि रबर स्टैम्प जैसा ही एक नेतृत्व निकल के आया, उनके बराबर का नेतृत्व निकल के नहीं आया। तो ये समस्या आम आदमी पार्टी के सामने ही बनी रहेगी और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में आम आदमी पार्टी को चुकाना पड़ेगा।